देश में आम चुनाव 2024 की प्रक्रिया जारी है। 4 जून को इसके परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस चुनाव में भी सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में किसकी सरकार बनेगी ये बहुत हद तक उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणामों पर निर्भर करेगा। ठीक ऐसा ही लंबे समय से होता चला आ रहा है। देश की 17% आबादी वाला यूपी कैसे लोकसभा चुनाव में सभी दलों के लिए एक अहम भूमिका निभाता है, इसी को लेकर आज हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, बिना उत्तर प्रदेश के अपने सियासत का भविष्य शायद ही वो सोच सके। आजादी के बाद 3 दशक तक कांग्रेस का गढ़ रहे उत्तर प्रदेश में देश की कुल 543 लोकसभा सीटों का 20% हिस्सा अकेले है। राज्य की 80 लोकसभा सीट देश का सियासी भविष्य और लेखा जोखा तय करती है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री रहे कई नेताओं ने यूपी की सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर संसद तक पहुंचे हैं। सन 1947 से लेकर साल 2019 तक हुए आम चुनावों में उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश को 15 प्रधानमंत्री दिए हैं। साल 2011 की आबादी के अनुसार देश की कुल आबादी में 17% का योगदान देने वाला उत्तर प्रदेश 6 प्रधानमंत्रियों का जन्म स्थान भी रहा है। कुल 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के किसी न किसी संसदीय क्षेत्र से चुनकर लोकसभा पहुंचे और देश का प्रतिनिधित्व किया। आजादी के बाद से लेकर अभी तक कुल 77 सालों में 75% समय जो नेता प्रधानमंत्री रहे हैं उनका कनेक्शन किसी न किसी तरह से उत्तर प्रदेश से रहा है। यूपी से ये हुए प्रधानमंत्री। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। वे 17 साल यानी कि 6130 दिन तक पीएम रहे। इसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी 15 साल यानी 5829 दिन तक प्रधानमंत्री रही। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक देश के पीएम रहे। इसके बाद पीएम मोदी साल 2014 से लेकर साल 2019 तक 10 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह भी यूपी के वाराणसी से 2 बार से सांसद है और 3री बार चुनाव के लिए बीते दिनों नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद से सांसद रहे। वह 1 साल 216 दिन तक देश के पीएम रहे। फिर चौधरी चरण सिंह 170 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे, जो बागपत से सांसद चुने गए थे। राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देश का प्रतिनिधित्व किया और फतेहपुर से सांसद रहे। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर पीएम बने और वह बलिया से सांसद थे। इस समय भी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जहां कांग्रेस ने राहुल गांधी को यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से उतारा है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ रहे हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस साल यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर किस पार्टी के नेता अपनी जीत हासिल करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।